वेलकम टू पीहू टीवी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको सलवार की कटिंग करके बताएंगे। ये हमने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है, ये कॉटन में है ये फैब्रिक हमारा। जिस साइज़ की हम कटिंग करेंगे वो इस तरह से है, लेंथ 38 इंचेस रेडी रहेगी। मोरी इस केस में हमारी 7 इंचेस, बेल्ट की विड्थ 22 इंचेस और लेंथ 6 इंचेस रेडी रहेगी, क्रॉच 15 इंचेस। अब हम जो कली और साइड पीस की जो लेंथ लेंगे वो हम किस हिसाब से लेते हैं, जो हमारी एक्चुअल लेंथ है उसमें हम 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। इट मीन्स ये हमारा 38 + 3 = 41 इंचेस हो गया, तो इसमें से हम 8 इंचेस माइनस कर देंगे क्योंकि 8 इंच की हमारी बेल्ट की कटिंग होगी, तो ये हमारा 33 इंचेस। तो हमारी कली और साइड पीस 33 इंचेस के कटेंगे और बेल्ट की कटिंग हम 8 इंचेस पे करेंगे। सबसे पहले हम कपड़े को खोल के, ये हम इस तरह से कपड़े को इस तरह से करते हुए पूरी लेंथ में हमने कपड़े को डबल कर लिया है। ये हमने कपड़े को पूरी लेंथ में इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है। इस साइड कपड़े की लेंथ है और इस साइड कपड़े की विड्थ है। अब हमने जैसे आपको बताया, हम 33 इंचेस के साइड पीस और कली 33 इंचेस पे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे 33 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। इस तरह से हमने 33 इंचेस पे मार्क कर लिया है। अब हम इसमें साइड पीस सबसे पहले हम साइड पीस का मार्क करेंगे। साइड पीस हम इसमें 14 इंचेस पे मार्क करेंगे, यहां से रखते हुए 14 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। और इन निशानों को मिलाते हुए सीधा कर लेंगे। ये हमारे साइड पीस का मार्क हो गया। हम इसमें साइड पीस अलग नहीं करेंगे, हम आपको जिस तरीके से ये बता रहे हैं उसमें साइड पीस हम अलग नहीं करेंगे। ये यहां तक हमारे साइड पीस का मार्क हो गया, इसके बाद हम यहाँ पे भी सीधा 14 इंचेस पे इस तरह से निकाल देंगे। यहाँ तक हमारे साइड पीस हैं, यहाँ तक, और ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। इस तरह से ये हमारा कपड़ा कट गया है, इसको हम निकाल देंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। अब हम इनको, ये जो हमारे साइड पीस हैं, इनको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। जहां तक हमारी इसकी चौड़ाई आ रही है वहां तक। अब ये देखिए, हमने साइड पीस को इस तरह से फोल्ड कर लिया है, इस पे हमने SP लिख दिया है, साइड पीस। हम इनकी कटिंग नहीं करेंगे, हम इनको साथ में ही रखेंगे। अब जो हमारी इस केस में मोरी रेडी है वो 7 इंचेस रेडी है, तो हम 7 इंचेस से 2.5 इंचेस एक्स्ट्रा पे मार्क करेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमने 9.5 इंच पे मार्क किया है। ये हमने इस साइड इसकी लेंथ का मार्क कर लिया है कली का। अब हम उस साइड पे इसके क्रॉच का मार्क करेंगे। यहाँ पे हम 10 इंचेस पे मार्क करेंगे। और जिस तरह से 2.5 इंचेस हमने यहाँ पे मार्क किया है, इसी तरह से हम वहां पे 2.5 इंचेस पे मार्क करेंगे। हमने वो 10 इंचेस रखा है वहां पे क्रोच, इस कली का क्रोच वहां पे आ गया। अब हम इन दोनों निशानों को मिला देंगे। ये हमने इस तरह से इन दोनों निशानों को मिला दिया है। अब जिस तरह से हमने उधर क्रोच का मार्क किया है, इसी तरह से सेम यहां पे भी क्रोच का मार्क करेंगे 10 इंचेस पे। और यहां पे इस कली की लेंथ का मार्क करेंगे 33 इंचेस, और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। अब ये देखिए, हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं, ये हमने साइड पीस कट किए थे 14 इंचेस विड्थ वाले, हमने इनको इस तरह से फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पे हमने 33 इंचेस लेंथ का मार्क किया, और इसके बाद हमने इस कली का क्रोच हमने वहां पे 10 इंचेस पे रखा, और इसके ऑपोजिट इस कली का क्रॉच यहाँ पे आएगा 10 इंचेस, और इसकी लेंथ यहाँ पे आएगी 33 इंचेस। अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम साइड पीस अलग नहीं करेंगे, इनको साथ में रहने देंगे।
और यहाँ पे कट्स दे देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है साइड पीस और कली को। इस तरह से ये देखिए हमारे साइड पीस, इसमें दो कलियों के साथ इस तरह से साइड पीस जुड़े हुए हैं। हमने इसको इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। कट नहीं किया हमने इनको, यहाँ से दो कलियाँ हमारी ये हो गई और दो कलियाँ हमारी ये हो गई, ये हमारी चार कलियाँ हो गई और ये दो साइड पीस हमारे ये हो गए इनके साथ में। अब हम इनको उठा देंगे और बेल्ट की कटिंग करेंगे। अब हम ये जो बाकी कपड़े हमारे पास दो टुकड़े बच गए हैं इनमें से हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। इसको हम इस तरह से फोल्ड करते हुए, एक कपड़ा हमने इस तरह से रख लिया। अब हम इसकी चौड़ाई देख लेंगे कितनी है क्योंकि हमें 22 इंचेस रेडी चाहिए। ये हमारे पास 15.5 इंचेस है। इसके नीचे को लेंथ रखेंगे, लेंथ हम इसकी 8 इंचेस रखेंगे कटिंग के लिए। हम बाकी जो हमारी विड्थ इसकी कम पड़ रही है वो हम इसको कपड़े को इस तरह से करते हुए रख लेंगे। ये हम आपको इसकी लेंथ डबल में बता रहे हैं, डबल करते हुए हमारी 22 इंचेस रेडी है। वैसे अगर आप टोटल देखोगे तो 44 इंचेस बनता है। ये इस तरह से ये देखिए हम इनको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से हाफ इंचेस तक बढ़ाकर रख लेंगे क्योंकि हमारा आधा इंच यहाँ से सिलाई में आएगा, तो हमें 22 इंचेस चाहिए रेडी, तो हम 22.5 इंचेस पे मार्क कर लेंगे क्योंकि आधा इंच हमारा यहाँ से भी सिलाई में आएगा। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये इस तरह से हमारी बेल्ट कट चुकी है और ये जो कपड़ा बच गया है ये हमें मोरी बनाने में काम आएगा। ये देखिए ये हमने क्रोथ जो हमारा इस केस में रेडी है वो 15 इंचेस रेडी है, तो हमने ये 10 इंचेस की यहाँ से कटिंग की है, तो हमारा हाफ इंच यहाँ से सिलाई में आएगा और हाफ इंच यहाँ से सिलाई में आएगा, तो ये हमारा 9 इंचेस रेडी रह जाएगा। और 8 इंचेस हमने बेल्ट की कटिंग की है, इसमें से हमारी 6 इंचेस रेडी रह जाएगी बेल्ट हमारी, क्योंकि ऊपर से हम इस तरह से जो नाड़ा वगैरह डालने के लिए हम इसको फोल्ड करते हैं वो कर लेंगे और यहाँ से हम हाफ इंचेस हमारा सिलाई में आएगा, तो हमारा 2 इंच कम हो जाएगा, तो 9 इंचेस हमारा यहाँ से बचेगा और 6 इंचेस हमारा यहाँ से बचेगा, तो ये हमारा 15 इंचेस रेडी रह जाएगा। ये इस तरह से हमारी सलवार की कटिंग कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी हर नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।